हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। आज बहुत दिनों के बाद ऐसी धमाका स्ट्रेटजी लाया हूं जो एक्चुअली आप सबको सूट करती है। सूट वर्ड क्यों यूज किया? आप लोग हैं बिजनेसमैन और जॉब में, वहां पर आपके पास वक्त की होती है कमी और उस कमी के कारण आप लोग सही यूज नहीं कर पाते, लेकिन लंच ब्रेक का समय सबको मिलता है और इसीलिए हम लेकर आए हैं लंच ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, वो भी जैकपॉट धमाका। यानी लंच के समय में आप ट्रेड करते हो, पैसा कमाते हो और इंजॉय से अपने बिजनेस और जॉब पे लग जाते हो। तो हमारी भाई वाली कोशिश है लंच ब्रेक में लंच करते करते आप कमाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें और रात के 7:30 और 8:30 का शो कभी मिस ना करें, जहां कोशिश है आपको लर्निंग और अर्निंग की एक बेहतरीन दुनिया दिखाने की, जहां आप और हमारा परिवार सीखे और कमाए। टेलीग्राम पर नेक्स्ट बुक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की डाल दी गई है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 2 लाख से ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। आप जाइए वो बुक देखिए और उससे पुरानी बुक्स को भी देखना हो तो चैनल को स्क्रॉल कर लीजिए, आपको बुक दिखेगी और ऐसे ही लगातार हम एक से एक बेहतर बुक आपके लिए लाते रहेंगे। और ट्विटर से जुड़ जाइएगा क्योंकि वहाँ पर स्टॉक मार्केट की सारी ब्रेकिंग न्यूज़ आपको मिलती है। लाखों लोग वहाँ पर जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए समझते हैं कि ये लंच स्ट्रेटजी क्या है। तो ये लंच स्ट्रेटजी बताने से पहले कुछ सबसे ज्यादा जरूरी बात, सबसे पहले आप ये जानिए कि जब भी हम किसी स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, और एग्जांपल के लिए जैसे 22 दिन का ट्रेडिंग सेशन है, अब 22 दिन के ट्रेडिंग सेशन में होता क्या है, अगर किसी स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं तो एज पर दैट स्ट्रेटजी हो सकता है 15 दिन आपको बाइंग या सेलिंग का लेवल मिले। 15 दिन में जब आप काम करते हैं लगातार बिना डरे, तो 15 दिन में हो सकता है 11 और 12 दिन आपको मुनाफा हो और 3 दिन या 2 दिन या 4 दिन आपको नुकसान हो। यानी अगर आपने 11 दिन कमाया या 12 दिन कमाया, 3 दिन लॉस किया, तो 12 दिन में 3 दिन का लॉस यानी 9 दिन प्रॉफिट कमाया। यहां पर अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो करेक्ट है तो 9 दिन के मुनाफे में नुकसान काटने के बाद भी फाइनल बैलेंस शीट बनेगी कि आप प्रॉफिट में हैं। इस बात को सबसे ज्यादा समझने की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, जब स्ट्रेटजी सुनते हैं सडनली बिना टेस्ट किए, बिना प्रॉपर उसको फॉलो किए सडनली ट्रेड किया, 2 दिन बैड लक रहा कि वहीं पर नुकसान हो गया और उनका मोरल टूट गया, यार स्ट्रेटजी काम नहीं करती है। तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो मैं देने जा रहा हूं उसको पूरे प्रॉपर वे में आप पहले 1 मंथ पेपर में देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा और फिर रियल ट्रेड करके पैसा कमाते रहिएगा और भाई को दुआ देते रहिएगा। तो ये थी पहली कहानी, क्योंकि कोई भी चीज 100% नहीं होती है। अब यहां पर हमें क्या करना है, 5 मिनट के चार्ट में जाना है, ठीक है, 5 मिनट। किस स्टॉक में ट्रेडिंग होगी वो सब हम बताएंगे, वो सारा राज है, ठीक है। 5 मिनट के चार्ट में जाना है और हमें एक्टिव हो जाना है 1:50 से। तो 1:50 पे पहली 5 मिनट की कैंडल बनेगी जो 1:55 पे खत्म होगी, फिर दूसरी कैंडल बनेगी 1:55 पे जो 2 बजे खत्म होगी, और फिर तीसरी कैंडल बनेगी 2 बजे जो 2:05 पे खत्म होगी। इस तरीके से 3 कैंडल बनेगी। अब 2:05 हुआ, अब इसमें 3 कैंडल का 3 साइज, कोई बहुत बड़ी कोई बहुत छोटी हो सकता है, बहुत साइडवेज कुछ भी हो सकता है। अब जब ये मूवमेंट हुआ यहां पर, तो जिस साइड भी जैसे आपके सामने ये चार्ट है कि यहां पर आप देखिए, ये है 1:50 का कैंडल, ये है 1:55 का कैंडल, ये है 2 बजे का कैंडल, और क्या हुआ, 2:05 पे भी मार्केट उसी रेंज में रहा। यानी जरूरी तो नहीं है कि 2:05 पे तुरंत तोड़ दे। तो मार्केट टूटा कब, 2:10 के कैंडल पे। लेकिन यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि 2:10 की जगह मार्केट टूट सकता था 2:15 पे भी, कुछ भी हो सकता था, करेक्ट है। तो यहां पर 2:10 पे मार्केट ने इसके लो को तोड़ा, यानी जब तोड़ा तब, यानी नीचे की तरफ तोड़ा तब हम सेल के बारे में सोच रहे हैं। वैसे ही अगर यहां पर ऊपर की तरफ तोड़ता तो हम ऊपर के तरफ यानी ऊपर के बारे में सोचते।
तो इस तरीके से पहला पॉइंट क्लियर हुआ, जिसको मैं एरो से दिखा रहा हूं कि अगर नीचे की तरफ टूटता तो हम सेल के बारे में, जैसा कि यहां पर मार्केट टूटा है, या फिर इसका हाई टूटता तो ऊपर की तरफ हम बाय के बारे में सोचते। लेकिन कहानी यहीं नहीं खत्म होती है। यहां पर हमें ईएमए 5 और ईएमए 10 लगाना है, जो देखो यहां पर मैंने लगा हुआ ईएमए 5, ईएमए 10। मैं इसको भी एरो से मार के हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए यहां पर हाईलाइट हुआ है, और यहां पर ये जो ईएमए है वो आपकी क्लियर कट रेड और ग्रीन दिख रही है, करेक्ट है। तो रेड कौन सी है? 5 EMA है। ग्रीन कौन सी है? 10 EMA है। अब यहां पे कोई क्रॉसओवर का कोई लेना देना नहीं है, ये भी अगेन ध्यान देने वाली बात है। सिंपल सी कहानी यह है कि जब लो तोड़ा तो कैंडल भी आपकी उस 5 और 10 EMA के नीचे हो और तब हम सेल करते हैं, एकदम सिंपल। और जब हम सेल करते हैं तो उस कंडीशन में जो ऊपर का लेवल था, रेंज जहां पे देखो मैंने कैंडल कर्सर रखा हुआ है, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता है। यानी 460 का अगर ये लो टूट रहा है तो ऊपर में इसका हाई कितना है? 490। तो 30 पॉइंट का इस तरीके से मोटा मोटा एसएल हो गया। अब ये नीचे में टूटा, अब इसमें अगेन एक रूल है, हमें हमारी पोजिशन को 3 बजे तक एट एनी कॉस्ट क्लोज कर लेना है, पहला सबसे मेजर पॉइंट। लेकिन यहां पर हमें यह भी ध्यान देना है, हो सकता है आपका ट्रेड 2:10 पे इनिशिएट हुआ, 2:15 पे इनिशिएट हुआ, आपको 10 मिनट में ही मुनाफा आ गया, आप अपने पोजीशन को काटें, प्रॉफिट बुक करें, घर चले जाएं, 3 बजे तक इंतजार ना करें। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं है तो आप 3 बजे तक तो चाहे प्रॉफिट हो ना हो अपनी पोजीशन को क्लोज कर दें, क्योंकि 3 बजे के बाद मार्केट की मूवमेंट वो क्लोजिंग बेस की तरफ होती है, जहां पे बड़े बड़े प्लेयर अपनी पोजीशन को क्लोज करना चाहते हैं। तो वहां पर मार्केट एक अलग तरीके से व्यवहार करता है, रिएक्ट करता है। तो इसीलिए ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि 3 बजे तक हमें पोजीशन को क्लोज कर लेना है। तो मैं रूल को एक बार फिर से रिपीट करता हूं, 1:50, 1:55 और 2 बजे, ये 3 कैंडल हुई। अब जरूरी नहीं है कि ये 3 कैंडल 2:05 पे ही ब्रेक हो या 2:10 पे ही ब्रेक हो, और हो सकता है 2:10 पे हो जाए या 5 मिनट। तो जब भी नीचे की तरफ ब्रेक हो रही है तो नीचे की तरफ सेल, और ऊपर की तरफ ब्रेक हो रही है तो ऊपर की तरफ बाय। बट 5 EMA और 10 EMA के नीचे होना चाहिए। अगर सेल कर रहे हैं तो नीचे होना चाहिए, और बाय कर रहे हैं तो ऊपर होना चाहिए। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है, हमें अपनी पोजीशन को 3 बजे तक क्लोज कर लेना है एट एनी कॉस्ट, और 3 से पहले भी मुनाफा बन रहा है तो भी क्लोज कर लेना है। फिर अगर हम नीचे की तरफ सेल कर रहे हैं तो जो ऊपर का ये 3 कैंडल का हाई था उसके ऊपर स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो रहा है तो ये नीचे की 3 कैंडल का जो लो था उसके नीचे का हम स्टॉप लॉस डाल रहे हैं। इस तरीके से हमने स्टॉप लॉस डाला। अब देखिए यहां पर हम आपको चार्ट पे दिखा रहे हैं रिजल्ट। जैसे ये देखिए यहां से कैंडल बनी, इसका लो टूटा, ईएमए के नीचे है, बना मुनाफा। अगेन देखिए यहां पर 3 कैंडल अलग तरीके की बनी। मैं आपको देखिए बड़ी बहुत ही प्यारी चीज, यहां पर कैंडल एक साथ थी और यहां पर 3 कैंडल लगातार लो मार रही है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैंने आपके लिए बहुत ही हर तरह की कैंडल चार्ट रखा है, जहां पे देखिए 3 कैंडल लो लो और फिर टूटा, तब रिजल्ट और मुनाफा। सेम टू सेम यहां पे देखिए मार्केट साइडवेज हो गया, टूटा और मुनाफा। अगेन देखिए ये साइडवेज हो गया, टूटा और मुनाफा। तो लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। ये देखिए अब ये ऊपर की बाइंग वाला है, 1:1 ऊपर चलता चला गया, फिर अंत में यहां पर जब हाई ब्रेक किया, ईएमए के ऊपर है, आपको बाय मिला, रिजल्ट मिला। बहुत बार एंट्री नहीं मिलती है, जैसे यहां पर देखिए ये मार्केट यहां तक 3 बजे तक ही डांस करता रह गया। ये देख रहे हैं इस कैंडल पे मैं कर्सर रख रहा हूं, 2:55, 3 मिनट आपको दिख रहा है, मार्केट पूरे रेंज में रह गया। तो 3 बजे तक रेंज में रह गया, नहीं टूटा, नो ट्रेड। तो आई होप ये चीज आपको सबसे ज्यादा क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर वक्त हर जगह ट्रेड नहीं करना है, बल्कि जिस तरीके से हमारे बिजनेस के कुछ उसूल होते हैं, सिद्धांत होते हैं, हम उसी उसूल और सिद्धांत पे जाके ट्रेड करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से हर स्ट्रेटजी के अपने रूल, अपने उसूल, अपने सिद्धांत होते हैं, हमें सिर्फ उसी पर जाकर ट्रेड करना है, वरना वेट एंड वॉच करना। इसलिए वीडियो के शुरुआत में हमने आपको एग्जाम्पल से बताया कि 22 दिन का मान लीजिए ट्रेडिंग सेशन हुआ, हमें 15 ही दिन ट्रेड मिला, कोई फर्क नहीं। देखिए ओवरऑल हमारी कोशिश होनी चाहिए पैसा कमाना। देखिए एक बड़ी प्यारी सी चीज बताऊंगा, इंट्राडे का मतलब है सेम डे ट्रेड करके पोजीशन को क्लोज करना।
लेकिन किसी बुक में ये नहीं लिखा कि इंट्राडे का मतलब है रोज ट्रेड करना। लेकिन अगर रियलिटी में देखा जाए तो लोगों के दिमाग में यह है कि इंट्राडे का मतलब है रोज ही ट्रेड करेंगे, और यह है बिगेस्ट 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 मिस्टेक, जहां पे वो लोग लॉस करते हैं और फिर आपस में बात करते हैं कि यार इंट्राडे खराब है। कौन सी बुक में भाई कहा था तुम्हें रोज ट्रेड करने को? कौन सी बीवी मार रही थी कि गर्लफ्रेंड मार रही थी? क्या कहानी थी? कहानी यह थी कि हमारी है ट्रेडिंग की खुजली, हमने अपने दिमाग में बैठा लिया हम तो रोज ट्रेड करेंगे। हम रोज नहीं ट्रेड करेंगे तो हमारे दिमाग का जो एक साइकोलॉजी है वो शांत नहीं होगा, और हमें उसी चीज पे काम करना है। तो रूल भी क्लियर है, कैसे ट्रेड करना है ये भी क्लियर है, पोजीशन कब क्लोज करनी है ये भी क्लियर है। अब यहां पे मैं आता हूं स्टॉक के रिवील पर। उससे पहले मैं बता दूं आप लोगों के लिए फ्री टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट मैं पहले से बना चुका हूं, उसको जरूर देखें। बिग 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 लर्निंग मिलेगी। एक ऐसी दिल से भाई वाली कोशिश है कि जिसने भी उस प्लेलिस्ट को देख लिया फायदा ही फायदा है। देखिए अब हम वो सीक्रेट रिवील कर रहे हैं जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था कि ये किस पे काम करती है और कितने पॉइंट का टारगेट मिलेगा। ये दो चीज पे काम करती है, एक का नाम मैं बताऊंगा और दूसरे का नाम मैं यहां नहीं बता रहा, जबकि वो जो दूसरा है जिस पे मैं बता रहा हूं कि काम करती है उससे भी बम्पर वाला काम करती है, भयंकर धमाका। तो वो धमाका क्या है उस पे भी आएंगे, बट पहले आप ये जान लीजिए कि ये निफ्टी पे काम करती है, यानी आप निफ्टी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं, फ्यूचर में ट्रेड कर सकते हैं। ये है पहला। अब निफ्टी के अलावा ये किस में काम करती है, वो कौन सा सीक्रेट स्टॉक है, कौन सा सीक्रेट चीज है जिस पे ये काम करती है, वो हम बताएंगे अगर आप हमारे 10 मार्च के स्टॉक मार्केट सीक्रेट एनालिसिस क्लास को ज्वाइन करते हैं। तो 9708094321 पे कॉल कीजिएगा, वहां पर हम आपको बताएंगे वो एक धमाका स्क्रिप्ट जिसपे मजा, मतलब निफ्टी से भी अलग लेवल का आपको मजा मिलने वाला है। जैसे रोबो और ईगल धमाका स्ट्रेटजी है जो एक एक शेयर पे काम करती है, सिर्फ एक शेयर पे। रोबो ईगल किसी पे भी लगा लो रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन जो शेयर हमारा है जो हम अपने हर बैच में देते हैं वैसे ही ये देंगे, ये किस से किस जगह बेहतरीन काम करती है। तो उसके लिए आपको हमारी क्लास में इनरोल होना पड़ेगा। अब आते हैं निफ्टी में कितने पॉइंट का टारगेट लेना है। ये प्योर जॉबिंग ट्रेड है, मतलब लियो और भागो। तो वहां पर 35 से 40 पॉइंट के बीच में अपना प्रॉफिट बुक कीजिए और पोजीशन को क्लोज कीजिए। और निफ्टी में अगर इंट्राडे में 35-40 पॉइंट मिल जाए तो इससे बेहतरीन कोई इंट्राडे की ट्रेडिंग ही नहीं है निफ्टी के लिए। तो वहां पर ये इस तरह का ट्रेड है कि लंच जैकपॉट स्ट्रैटेजी। और वो दूसरा कौन सा है उसका नाम जानेंगे हम 10 मार्च की स्टॉक मार्केट सीक्रेट एनालिसिस क्लास में, जहां बेसिक से एडवांस तक हैंड होल्डिंग, लाइव ट्रेडिंग, मेंटरशिप बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन जो कोई नहीं देता हिंदुस्तान में, और जिसका फीडबैक है कि सर अगर रिवीजन सेशन बिना कमिटमेंट वाला ना मिला होता तो शायद हम सीख भी नहीं पाते, और इसीलिए हम लोग बहुत जगह से सीख के आते हैं बट सीख नहीं पाते। तो आप सबको वो सब मिलेगा जो कहीं नहीं मिलता है, और इस स्ट्रेटजी से भी पैसा कमाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू सो मच।